नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पिछला मैंने जो वीडियो पढ़ाया वो मैंने पढ़ाया जीन पेजे पे। मैंने आपको बताया कि जीन पेजे कहाँ के निवासी थे, उनका जो उनके सिद्धांत का क्या नाम था। मैंने आपको ये बताया कि उनके सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से थे। उसके बाद में ये सारी बातें करते हुए हम लोग पिछली क्लास में पहुँच गए थे, जीन पेजे की अवस्थाओं पर पहुँच गए थे। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितनी भी ये क्लासेस चल रही हैं ये सब आपके लिए ही चल रही हैं, तो बिना कहे आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए करिए, और साथ साथ में इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी किया करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये छोड़ दिया है, मैंने ये नहीं बताया है, इसके लिए आप कमेंट भी किया करिए। आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। आप जब हमको बताते हैं कोई बात, अगर आप हमसे शेयर करते हैं तो उस पर हम लोग ज़रा सा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो पेजे थे, और कुछ और बातें सुन ली, जो पेजे थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और पियाजे ने क्या किया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। जीन पियाजे के तीन बेटे थे और तीनों बेटों को उन्होंने एक साल से उसके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उन्होंने उन बच्चों पर स्टडी की थी। बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया कि ऐसा अपने बच्चों पर कोई नहीं करता, अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करता है। लेकिन जो उन्होंने किया वो बहुत सही किया, क्योंकि अगर वो चीज़ ना किए होते तो आज ये ऐसा क्रांतिकारी जो परिवर्तन है या जो जीन पेजे जो नाम जाना जाता है वो नाम शायद ना जाना गया होता। तो हर काम अच्छाई के लिए ही होता है। तो जीन पेजे ने अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया कि बच्चे का संज्ञान कैसे काम करता है, उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको अवस्थाओं या स्टेजेस के बारे में बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो जीन पेजे हैं, जीन पेजे ने बच्चे की संज्ञानात्मक मतलब मानसिक जो विकास होता है उसकी चार अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था मैंने बताई थी, ये देखो मैंने लिखा भी है, पहली अवस्था मैंने बताई सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था। दूसरी मैंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त या ठोस गामक अवस्था। तीसरी मैंने बताई थी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जिसको कहते हैं मूर्त गामक अवस्था। और चौथी मैंने बताई थी फॉर्मल स्टेज जिसको कि कहते हैं औपचारिक कहते हैं आप, या आप कह सकते हैं अमूर्त गामक अवस्था भी इसको कहा गया था। आज की जो क्लास है उसमें हम ये बात करेंगे, हम एक एक अवस्था पर बात करेंगे कि एक एक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है और इस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, इस पर हम एक एक अवस्था पर बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज पर। इस अवस्था के अगर हम समय की बात करें तो जो पियाजे हैं उन्होंने बताया है कि इस अवस्था का समय होता है बर्थ टू टू ईयर। बहुत सारे लोग लिख देते हैं जीरो से टू ईयर से जीरो से दो साल। देखिए ये जो जीरो टू टू ईयर है ये सही भी है और गड़बड़ भी है। वैसे देखिए जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने क्या कहा था कि बच्चे का विकास वहीं से शुरू हो जाता है जहां से जब माँ ने गर्भाधान किया होता है, जब माँ प्रेग्नेंट जब माँ के पेट के अंदर बच्चा भ्रूण के रूप में जाता है तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जीरो कहना कहीं तक न्यायोचित नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए जीरो। अब देखिए अगर बर्थ टू टू ईयर आता है तो द बेस्ट है, और अगर जीरो टू टू ईयर आता है, दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब अगर हम इस अवस्था की बात करें, अगर हम इस स्टेज की बात करें जिसको आप कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम बात करें, तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है। देखिए तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बहुत छोटी अवस्था में बर्थ से दो साल तक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सेंसरी, हमारे शरीर में क्या होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहते हैं संवेदी अंग। तो अगर इस स्टेज की बात करें तो ये स्टेज में पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स से या संवेदी अंगों से किसी चीज को सीखने की कोशिश करता है या मानसिक अपना मन चलाने की कोशिश करता है बच्चा सिर्फ, क्योंकि यहाँ तक बर्थ टू टू ईयर में बच्चे के आपका भाषाई विकास नहीं हुआ होता है। और जब किसी बच्चे का भाषाई विकास नहीं हुआ है तो आप बताइए क्या वो कुछ बोल सकता है, क्या वो, क्योंकि यहाँ पर बच्चा चल भी नहीं पाता। देखिए दो साल तक आते आते आप ये कह सकते हैं कि एक साल के बाद में बच्चा चलना शुरू कर देता है, लेकिन पहले अगर हम जीरो
बर्थ से लेकर के अगर हम 9 महीने की बात करें या हम 1 साल की बात करें तो बच्चा चल नहीं पाता है, तो बच्चा अपने अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने सेंसरी ऑर्गन से, संवेदी अंगों से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है। इसमें लिखा हुआ गामक, देखो इधर लिखा हुआ मोटर, तो मोटर का मतलब होता है वो अपने हाथ पर आदि को चलाता है। जैसे उसको मान लीजिए कि दूध की ज़रूरत है, बच्चा भूखा है उसको दूध की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो रोना शुरू कर देगा तो उस पर क्या होगा कि जब वो रोएगा तो लोग समझ जाएंगे कि इसको दूध की ज़रूरत है, बच्चा भूखा है तो इसको दूध दे दिया जाए। तो बच्चा क्या करता है, चूँकि बच्चे में तब तक भाषाई विकास नहीं हुआ होता है तो बच्चा अपनी चीज़ें ऑर्गन से समझाता है। जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप ये देखते हैं कि आपने जैसे कोई चीज़ उसके सामने ले जाओ तो आंखें ऐसे ऐसे करता है, सामने सामने आंखें ले जाने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है अपनी माँ को पहचाना शुरू कर देता है, उसको पता होता है कि अगर ये आवाज़ आएगी, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या होता है, इसमें ये सारी बातें तो इसमें चलती ही रहेंगी, बच्चा सेंसरी ऑर्गन से पहचानना शुरू करता है, बच्चा हाथ पैर चलाता है। इसमें 2 टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। और अगर इसी की हिंदी में बात करें तो होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, एक तो ये टर्म हो गया। और अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो इसमें एक टर्म और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। अब देखिए ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें इस अवस्था की जान है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि आप सबसे पहले समझिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा एक बॉल से खेल रहा है, ठीक। आपने क्या किया, उस बच्चे से बॉल छीनी और बच्चे की बॉल क्या की किसी जगह पे छिपा दी। अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा उस वस्तु को पहचानना शुरू कर देता है, और जब बच्चा उस वस्तु को पहचान रहा है तो बच्चा उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और जब बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा, ढूंढने के लिए इधर उधर जाएगा, ये पलटेगा वो पलटेगा, सब चीज़ें चेक करेगा। तो ये गोल डायरेक्टर बिहेवियर क्या होता है, समझिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस से ही आपको गोल डायरेक्टर बिहेवियर या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को आपको समझना है। आपने क्या किया कि बच्चे की जो दूध की जो बोतल होती है उसको बच्चा बहुत भली भांति पहचानता है, उससे वो दूध पीता है, तो उससे उस बोतल से क्या होता है, लगाव होता है। आपने क्या किया, उस बच्चे की उस बोतल को छीन लिया और कहीं पर छिपा दिया। अब बच्चा क्या है, बच्चे उस समय तक बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि अच्छा बोतल का ऐसा आकार था और ऐसी चीज़ को हमको ढूंढना है। तो जब अब वस्तु स्थायित्व का यही मतलब होता है प्यारे बच्चों, कि वो जो चीज़ है वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि बोतल ऐसी थी और इसकी मुझे ज़रूरत है, इसलिए वो उसको ढूंढना शुरू करता है। तो इसी जिसे जब वो बोतल को पहचानना शुरू कर देता है उसी चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब उस बच्चे ने क्या किया कि जब वो बोतल कहीं छिपा दी गई तो अब उस बोतल को ढूंढने के लिए बच्चा चलता है, बच्चा इधर चीज़ें हटाता है उधर चीज़ें हटाता है और आखिरकार वो बोतल को पा जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट परमानेंस किसी बच्चे के अंदर आ जाता है फिर जो वो व्यवहार करना शुरू करता है, अच्छा लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है, उस बच्चे का गोल क्या है, तो उस बच्चे का गोल है वो दूध की बोतल ढूंढना। और जब बच्चे का गोल है दूध की बोतल ढूंढना, तो जब दूध की बोतल ढूंढने के लिए जितने भी वो काम करता है, जितने भी वो प्रयास करता है, उसे ही कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने कहा है ये 2 चीज़ें बहुत आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जा चुका है कि बताइए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्याजे की किस स्टेज में आता है, तो वो आता है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था में आता है। आज से पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस प्याजे की किस स्टेज में बच्चे में आ जाता है, प्याजे की किस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, तो आप बताएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक।
हद तो तब हो गई जब एक टेट में पूछ लिया गया बताइए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो बच्चे में कितने महीने में आ जाता है। भाई अगर हम बर्थ से 2 ईयर की बात करें तो टोटल हमारे पर कितने होते हैं, तो टोटल हमारे पास होते हैं 24 महीने, 24 मंथ्स होते हैं। तो पूछा गया बताइए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है बच्चे में किस महीने तक आ जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिए ये 18 मंथ्स तक, 18 महीने तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है सीधी सी बात है तभी गोल डायरेक्टर बिहेवियर होगा। भाई सीधी बात है जब तक वस्तु को उसने पहचाना ही नहीं है तब तक वो प्रयास क्या करेगा, वो किसको लक्ष्य बनाएगा। बात समझ में आई, तो आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो 18 मंथ्स में बच्चे में आ जाता है। ये थोड़ी सी हाई लेवल है लेकिन आपको इस बात को याद रखना है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये किसी न किसी टेट में पूछा जा चुका है, ये बिहार टेट में या किसी भी टेट में है पूछा जा चुका है। और ये दोनों चीज़ें तो सर्वमान्य हैं, आज तक ऐसा आप कोई भी टेट का पेपर उठा लीजिए, ऑल इंडिया कहीं भी टेट हुआ हो लेकिन ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पता ये बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट स्क्रीन शॉट करिए उसके बाद आगे की बात की जाए, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, देखिए आगे अब जो दूसरी अवस्था है पैजे की, मैंने आपको सिखाया था कि दूसरी अवस्था क्या होती है, तो आप कहेंगे सर दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या इसे वो कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वाली जो पूर्व संक, ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है मेरे बच्चों, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है समझिएगा। अभी तक क्या था कि बच्चे, जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, तो अभी तक बच्चा बोल नहीं पा रहा था सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस जो ये जो स्टेज होती है इसका जो मेन जो सबसे मुख्य जो लक्षण होता है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषाई विकास, या भाषाई विकास बच्चे में इस अब तक हो जाता है या बहुत तेज होता है। बच्चा 2 साल की उम्र तक सिर्फ लोगों को सुन रहा था लेकिन यहां पर जैसे ही वो, इसका समय कितना होता है, तो इसका समय होता है प्यारे बच्चों 2 से लेकर 7 वर्ष तक, या 2 to 7 years, ठीक। तो जब बच्चा 2 साल के ऊपर हो जाता है आप सभी जानते हैं बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बच्चा गड़बड़ सड़बड़ बोलता है, बच्चे का जो शब्द भंडार होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है क्योंकि बच्चों को हर चीज़ें जाननी होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे का जिस, तो सबसे जो आपसे पूछा, देखो 1000 बार क्वेश्चन आ गया कि पैजे की वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है या भाषाई विकास हो जाता है, तो आप बताएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। समझ में आई बात, फिर हम करते हैं आगे की बात। तो आगे की बात कुछ इस प्रकार से है कि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे में, मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बच्चे में आना लग जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है मेरे भाइयों जीववाद, क्या आने लगता है, जीववाद या सजीववाद। अब ये एनिमिज्म क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2 साल से 7 साल की स्टेज में होता है तो बच्चा क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा जा रहा है, अभी वो दरवाजे से भिड़ जाता है, जैसे ही दरवाजे से भिड़ता है, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा बच्चों, क्योंकि हर एक बात में, जो जितना मैं बोलूँगा हर बात में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लोग अपने घर में बैठ कर खूब नोट्स बनाइए, आप जितना लिखना चाहें आप उतना लिखिए लेकिन ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जब बच्चा, मान लीजिए आपके यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, आपका छोटा भाई है छोटी बहन है, आपने देखा होगा जब वो चलता है, जब वो जा रहा है और अचानक जाकर वो दरवाजे पर भिड़ जाता है, दरवाजे पर जैसे वो भिड़ता है उसने रोना शुरू कर दिया। अब मम्मी क्या करती हैं, मम्मी आती हैं दरवाजे को 3-4 झापड़ मारती हैं, तो बच्चे में इस समय तक एनिमिज्म आ जाता है। इसका मतलब है उसमें सजीव और निर्जीव में भिन्नता उसको पता नहीं होती है,
वो निर्जीव में भी सजीव देखता है, उसको ये लगता है कि नहीं चलो ठीक है, गेट की पिटाई हो गई, दरवाजे की पिटाई हो गई है और अभी दरवाजा सुधर गया है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, और दूसरी बात है, बच्चे की जो डॉल होती है, डॉल मीन जो गुड़िया होती है, आपने देखा होगा इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपनी गुड़िया से बात करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो क्या है, तो गुड़िया जैसे क्या है, सजीव है। तो बच्चे के जो मन में होता है इस समय तक निर्जीव और सजीव का कोई विभेद उसको पता नहीं होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। वो गुड़िया से बोलता है, देखता है, और अगर वो जब दूर चली जाती है तो बच्ची रोने लगती है या बच्चा रोने लगता है, और उसको ऐसा लगता है जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी जब ज़्यादा बादल आ जाते हैं तो हम लोग के देखते हैं कि देखो देखो बादल में क्या बने, हनुमान जी बने हैं। तो उसमें जैसे कि वो देखता है कि बादल आज गुस्सा हो गया है, बादल कैसा है, गुस्सा है, इसीलिए बारिश कर रहा है, बादल गुस्सा है इसलिए रो रहा है, और जब रोता है तो उसमें उससे क्या गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, ऐसा ही बच्चा बोलता है। बच्चे को ये लगता है कि जैसे आप कभी ट्रेन में जाते हैं, आप जब बचपन में ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, तो आपको ऐसा लगता था कि जो चाँद है, जैसे कि अभी आप रात में जाते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं कि चाँद देखो मेरे साथ साथ चल रहा है, उनको बाकी चीज़ें नहीं पता होती, पृथ्वी घूमती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता है कि ये एक जगह है, हम घूम रहे हैं, हम पृथ्वी में, उनको नहीं पता है। तो बच्चा कहता है कि जो चाँद है वो मेरे साथ साथ चल रहा है, जो सूरज है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। जब बच्चा कभी बस में जाता है या कभी ट्रेन में जाता है, तो आप ये आपने बचपन में अनुभव किया होगा, जब हम बस या ट्रेन में होते हैं, जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो पेड़ क्या होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे घर की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको भी कहते हैं, जबकि पेड़ तो चलते ही नहीं है ना, हम खुद चल रहे होते हैं पर बच्चे को नहीं पता होता है इस समय, तो उसको ऐसा लगता है कि ट्रेन जो पेड़ है वो मेरे घर की तरफ जा रहे हैं, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये होता है, इसको कहते हैं जीववाद या एनिमिज्म। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है। जब बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव चीज मान लेता है, क्योंकि उस समय तक बच्चे को निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं पता होता है। और दूसरी चीज है, देखिए, और इसमें एक चीज क्या होती है, तो इसमें एक आता है ईगो सेंट्रिक, सेंट्रिज्म लिख लीजिए, जिसको कहते हैं अहम वाक। अब बताइए ये क्या है। देखिए जितनी भी चीजें मैं आपको एक एक करके लिखा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे, आप, मैं कहता हूं कि आप एक प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको यहां से भर भर के क्वेश्चन नहीं मिले तो बताइएगा। देखिए जो इकोसेंट्रिज्म होता है ये क्या होता है, इकोसेंट्रिज्म का मतलब होता है इस समय में बच्चे को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, आप जाइए और उसकी मम्मी को कह दीजिए कि ये आपकी मम्मी नहीं है, मेरी माता जी हैं, तो बच्चे को इससे मतलब नहीं होता। बच्चे के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अगर कह दें मेरी मम्मी है, तो बच्चे को इससे मतलब नहीं होता कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, वो उसको मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें उस समय तक इगोसेंट्रिज्म होता है, अहम वाक होता है, बच्चा सिर्फ अपने लिए सोचता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं, बच्चे के अंदर उस समय तक शेयरिंग की भावना नहीं आती है, बांटने की भावना नहीं आती है। जब कोई, जैसे तुमने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपने खिलौने से खेल रहे हैं, उनके पास 7 खिलौने हैं, 10 खिलौने हैं, अगर कोई छोटा बच्चा आकर उनके खिलौने से खेलना शुरू कर दे, भले ही वो उससे ना खेल रहे हों, लेकिन वो उसको तुरंत मारना शुरू कर देंगे, डांटना शुरू कर देंगे, हटाना शुरू कर देंगे। उसे कहते हैं अहम वाक या अहम केंद्रिकता। इसका ये मतलब होता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, बच्चा किसी और से ध्यान, किसी और से ना तो बातचीत ज़्यादा करता है, ना ही उस किसी का ध्यान रखता है। इस समय बच्चे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आदि आदि चीज़ें, जैसे कि हमें और आपको बचपन में लगता कि अब इतने तो बड़े हो गए, अभी बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता है, अभी हमको बारात में क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो वही चीज़ें हो जाती जिसको कहते हैं इगो सेंट्रिज। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए अगर क्वेश्चन, देखिए अगर बात करें डीप की, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बच्चा है जो अपनी माता को अपनी माता कहता है, और जब दूसरे बच्चे उसको अपनी माता कहते हैं तो वो उनको मारने लगता है या उनको डांटने लगता है, तो बताइए बच्चा प्याजे के हिसाब से किस स्टेज में है। तो किस स्टेज में है, प्री ऑपरेशन स्टेज में है, या कह दिया जाए कि बच्चा ये जो काम कर रहा है इसका एग्जैक्टली क्या नाम है, तो उसका नाम इगो सेंट्रिज्म। बात समझ में आई कि नहीं आई है। फिर यहीं पर क्या होता है, यहीं पर एक चीज और आती है बच्चे के साथ में, देखिए एक चीज और आती है जिसको कहते हैं केंद्रीकरण,
केंद्रीकरण कहते हैं सेंट्रलाइज, नीचे लिख देता हूँ, कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन समझते जाइएगा, ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन के प्यारे बच्चे मतलब ये होता है, सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का प्यारे बच्चे मतलब ये होता है कि बच्चा सोचता है, जैसे कि मान लीजिए आप सेल्फी ले रहे हैं, ठीक, तो सेल्फी लेने में क्या होता है कि जब बच्चा 0-2 से 7 साल की उम्र में है, जब उसके अंदर केंद्रीकरण का भाव है, केंद्रीकरण का जब उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का भाव है, तो बच्चा जब सेल्फी लेगा ना तो बाकी सबको हटा देगा, सिर्फ खुद आएगा फ्रेम में, क्योंकि बच्चा सोचता है कि इस उम्र में जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे शादी में बनठन के जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि सारे लोग मुझे को देख रहे होते हैं। हालांकि अभी भी किसी किसी को लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे लोग वहाँ शादी देखने आते हैं, आपको देखने थोड़ी ना आते हैं, तो आपको थोड़ी नहीं देखेंगे, तो पूरी शादी को देखेंगे, क्योंकि आप जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। पर इस उम्र में बच्चे को ऐसा लगता है कि ये जो सारी भीड़ है ना, ये जो सारा जमाना है ना, ये सिर्फ मुझको देख रहा है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब वो बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है ये व्यक्ति देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। तो केंद्रीकरण का मतलब ये होता है, केंद्रीकरण अगर आपसे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि प्याजे की किस अवस्था में केंद्रीकरण का भाव बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो आप कहेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज या 2 से 7 ईयर तक की स्टेज में इसमें केंद्रीकरण का भाव बच्चे में उत्पन्न हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि उसको लगता है, क्वेश्चन कैसे आया, एक बार क्वेश्चन आ गया था यूके टेट में, मैं आपको बताता हूँ, उसमें था कि एक बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे सारे लोग उसी को देख रहे हैं या उसी को नोटिस कर रहे हैं, बताइए बच्चा प्याजे की किस अवस्था में है। तो उसमें ऑप्शन सारे ऑप्शन थे, तो लोगों ने लगाया, क्या लगाया, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। समझ गए, समझे कि नहीं, तो फटाफट इसको इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। कर लिया यहां तक, तो अभी थोड़ा सा इसको इधर से मिटा देते हैं, कर लिया, देखो फिर इसमें क्या है, इसमें भी और आगे है, समझिएगा, इसमें क्या कहते हैं, इसमें होता है बच्चे में अपलटावी, अपलटावी ये क्या है, ये होता है इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है, अब देखिए इस समय बच्चे में अपलटावी का दोष होता है, अपलटावी लिख देते हैं, अपलटावी गुण का दोष पाया जाता है। अब ये अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी क्या है, देखिए देखो रिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए आप आगे गए और रिवर्स का मतलब होता है उसी रास्ते पर वापस आ गए, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब होता है कि आपने 1 से लेकर 10 तक गिना, फिर क्या किया, 10, 9, 8, 7, 5 ऐसे करके, 6, 5 ऐसे करके वापस गिन दिया। एक तो कहते हैं फॉरवर्ड जाना और दूसरा होता है रिवर्स आना, पर इसमें क्या होता है अपलटावी मतलब इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। इसका मतलब है बच्चा 1 से लेकर 10 तक तो सीख जाता है, पर बच्चा 10 से लेकर 1 तक नहीं आ पाता है इस उम्र में, तो कहते हैं इस उम्र में अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। बच्चा आगे तो जा सकता है पर बच्चा वहां से पीछे नहीं आ सकता है। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जैसे कि हम बात करें, आपने क्या कहा, एक बच्चे को आपने सिखा दिया कि आटा है उसमें पानी डालो और पानी डाल के उसको आटा को गूंथ दो, लेकिन बच्चे से पूछो, अगर उससे रिवर्स मान लीजिए किसी से आपने पूछ लिया कि बताइए बच्चे इसके रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकती है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। इस समय तक बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी का दोष पाया जाता है। इसका मतलब है बच्चा वापस 1 से लेकर 10 तक गिन सकता है, लेकिन 10 से लेकर 1 तक गिनने में उसको दिक्कत होगी। ए से लेकर जेड तक बच्चा सीख सकता है, लेकिन जेड से लेकर के ए तक वो ऐसे जेड वाई एक्स ऐसे नहीं बता सकता है। इसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक। दूसरी देखो, इसमें होता है उस बच्चे में संरक्षात्मक सोच का अभाव पाया जाता है। इसको कहते हैं
कंजर्वेशनल थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चे में कंजर्वेशनल थिंकिंग का अभाव पाया जाता है। कंजर्वेशनल थिंकिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? कंजर्वेशनल थिंकिंग यह होती है कि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर देखिए बताता हूं, मान लीजिए कि एक बोतल रखी हुई है, ठीक, ये एक बोतल रखी हुई है और ये रखा हुआ है एक चौड़ा सा मग, ये देखो रखा हुआ है। अब बच्चा क्या करता है, इसमें संरचनात्मक सोच की कमी होती है, इसमें कंजर्वेशनल थिंकिंग की कमी होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे जैसे यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि इस बोतल में भी पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है और इसमें भी पानी या दूध भरा हुआ है, लेकिन इसमें दूध आता है 1.5 kg और इसमें आता है 1 kg, ठीक, या लीटर, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है, उसमें संरचनात्मक सोच का कमी होता है, उसमें कंजर्वेशनल थिंकिंग का कमी होता है। तो बच्चा ये देखेगा कि ये बोतल लंबी है, बड़ी है, ये बोतल छोटी है, क्योंकि उसको संरक्षण नहीं पता है कि इसमें कम चीज आएगी, इसमें उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देखेगा ये लंबी है मतलब ये बड़ी है, ये छोटी है मतलब कम है, तो वो इसको चुनना पसंद करेगा। जैसे आपने क्या किया, आपने बच्चे को 1 10 का नोट दे दिया और आपने बच्चे को 1 1 के 10 सिक्के दे दिए, 1 1 के एक जगह आपने 5 सिक्के रखे और एक जगह आपने 50 का नोट रखा। बच्चे में चूंकि संरचनात्मक सोच की कमी होती है, या आप कहते हैं कंजर्वेशनल थिंकिंग की कमी होती है, इसलिए वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये जो 50 का जो नोट है ना ये कम है और ये जो 5 सिक्के हैं ये कैसे हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि उस समय उसको ये नहीं पता होता है कि 50 रुपये ज़्यादा होते हैं और ये जो सिक्के हैं ये कम होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, आपने क्या किया कि डेयरी मिल्क की 50 रुपये वाली चॉकलेट ले ली और 10 ले ली 5-5 रुपये वाली, 10 नहीं कहते हैं, मान लीजिए 7 ले ली 5-5 रुपये वाली। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा को लगेगा कि ये जो 50 रुपये वाली है तो 1 है और ये है 7, तो वो उन 7ों को लेना पसंद करेगा बजाय 1 के। तो इसका मतलब अगर उसमें संरक्षण की सोच होती, संरक्षण का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक जगह कर देना, पर उसमें इस सोच की कमी होती है, इसलिए वो 5 टॉफियों को लेना ज़्यादा पसंद करेगा 1 बड़ी टॉफी की अपेक्षा। ठीक, बताइए यहाँ तक समझ में आई? तो फटाफट इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए ये जो सारी बातें मैं जो आपको पॉइंटों में बताता जा रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फटाफट करिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा जाए। हो गया, चलिए आगे आइए, आगे की अवस्था में चलते हैं हम। बच्चे नीचे कमेंट भी किया करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कितनी हद तक समझ में आ रहा है, आपकी कितनी मदद हो पा रही है, ये सारी बातें भी आप नीचे बताते रहिए ताकि हमको पता चलता रहे कि आखिरकार जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो कितना आपके काम आ रहा है। चलिए अगली स्टेज पर चलते हैं जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इसी को कहते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, सुनिए, इसको कहते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है बच्चे, इसका जो टाइम होता है वो होता है 7 to, नीचे लिख देता हूँ, इसमें होता है 7 to 11 ईयर्स। ठीक, ये इसकी टाइमिंग होती है। अब देखिए ये अवस्था जो होती है, ये अवस्था सिर्फ और सिर्फ पीछे वाली अवस्था को पूरा करने के लिए आती है। जैसे वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, तो वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि बच्चे में क्या होता है, अपलटावी का गुण पाया जाता है। इसका मतलब है वो पलट नहीं सकता है, वो सीधा तो जा सकता है लेकिन वापस उसी रास्ते पे वापस नहीं आ सकता है। वो 1 से लेकर 10 तक तो पढ़ सकता है लेकिन 10 से लेकर 1 तक पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, या वहाँ तक ये गुण उसमें नहीं आया होता है। बच्चा कैसा होता है, मैंने पिछले वाली स्टेज में बताया, बच्चा केंद्रित होता है, बच्चे का केंद्रीकरण होता है। ठीक, इस वाली स्टेज में क्या होगा कि पिछले वाली स्टेज में जितनी भी कमियां बची हैं वो सारी की सारी कमियां इस स्टेज में पूरी हो जाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जैसे पिछले में क्या कमी थी, तो पिछले मैंने बताया था कि बच्चा जो होता है उसमें अपलटावी
उसमें अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी का क्या पाया जाता है, दोष पाया जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि यहां बच्चे में जो इरिवर्सिबिलिटी होती है या बच्चे में, अब यहां पर उसमें तो पाया जाता है दोष, तो यहां पर क्या पाया जाएगा, तो यहां पर बच्चा जो होता है बच्चे में रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता या पलटावी का गुण आ जाता है, का गुण आ जाता है। अब ये क्या है भैया, पिछले वाले में मैंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो एक से लेकर दस तक पढ़ता है पर दस से लेकर पीछे नहीं आ सकता, तो वो था इरिवर्सिबिलिटी। पर यहां पे रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्क्रमणीयता, इसका मतलब है बच्चा एक से लेकर दस तक तो पढ़ ही सकता है और साथ में दस से लेकर के पीछे तक भी पढ़ सकता है। इसका मतलब यहां पर उसमें रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि एक से लेकर दस तक आगे जाना और दस से लेकर एक तक वापस आना, तो उसमें गुण आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा बताइए रिवर्सिबिलिटी का गुण किसमें पाया जाता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में पाया जाता है। दूसरी बात, अभी पिछले मैंने बताया था कि बच्चा जो होता है उसमें कंजर्वेशनल जो थिंकिंग होती है उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यही तो मैंने कहा था, क्या पाया जाता है, अभाव। लेकिन इस वाली अवस्था में क्या होगा, अभाव नहीं, कंजर्वेशनल थिंकिंग उसमें डेवलप हो चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे में संरचनात्मक सोच क्या होती है, विकसित हो चुकी होती है। यहां पर बच्चा क्या करता है, यहां पर बच्चे को पता होता है कि जो 50 रुपए वाली जो एक डेरी मिल्क की चॉकलेट है वो 5 चॉकलेट 5-5 रुपए वाली से ज्यादा है, इसीलिए वो 50 रुपए वाली लेना प्रेफर करता है। बच्चे को यहां पर पता चल जाता है कि जो बॉटल है वो 0.5 लीटर की है और बल्कि जो मग है वो 1 लीटर का है, इसलिए वो मग को उठाना प्रेफर करेगा। उसको यहाँ तक पता चल जाता है क्योंकि उसमें जो कंजर्वेशनल जो थिंकिंग होती है वो अब तक डेवलप हो चुकी होती है, उसमें संरक्षण का भाव आ चुका होता है। वो समझने लगता है कि चीज़ों को एक जगह कैसे समेट के रखते हैं कि जो 5-5 के सिक्के हैं इतने ना लेकर के आप सीधा एक 50 का नोट ले सकते हैं। यहाँ तक बच्चा समझने लगता है, जानने लगता है, तो समझ गया, तो इसमें संरचनात्मक सोच का को विकसित कर दिया जाता है या कंजर्वेशनल थिंकिंग आ जाती है। अगर मैं अगले की बात करूँ, मैंने अभी लिखाया था कि वहाँ पर बच्चा कैसा होता है, वहाँ पर बच्चा होता है केंद्रीकरण होता है, बच्चे में केंद्रीकरण होता है या सेंट्रलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर आते आते बच्चे में विकेंद्रीकरण या इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का गुण यहाँ तक बच्चे में डेवलप हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि बच्चा अब खुद के बारे में केवल नहीं सोचता है, वो अपने साथियों के बारे में भी सोचता है, वो अपने साथी समूह के बारे में भी सोचता है। अभी अगर एक कन्या है, अगर वो सेल्फी ले रही है तो अपने साथ कह देगी आप लोग भी आ जाइए, सबके साथ में सेल्फी लेना हो कैसा करेगी, तो सबके साथ सेल्फी लेना हो पसंद करेगी। तो यहाँ पर केंद्रीकरण की सोच का भाव यहाँ तक उत्पन्न हो जाता है। आप फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, समझिए आगे, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आई बात। अब देखिए आगे, यहां पर क्या होता है, यहां तक बच्चा पहुंचते समझिएगा मेरी बात ध्यान से, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक पहुंचते समझते मेरे प्यारे भाइयों बच्चा क्या सीख जाता है, तो बच्चे में करके सीखना या लर्निंग बाई डूइंग की सोच आ जाती है मेरे प्यारे भाइयों। यहां पर जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है तो इस कहते हैं कि जब बच्चा इस स्टेज में आ जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो जाता है, उसको ये उत्कंठा रहती है कि ये चीज़ कैसे होती है। तो हर एक चीज़ को बच्चा करके सीखना चाहता है, बच्चा उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर लर्निंग बाई डूइंग की जो एक भाव होता है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए प्याजे की किस अवस्था में लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखने की सोच बच्चे में सबसे ज़्यादा हावी होती है, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर यहाँ पर क्या होता है,
बच्चे में मूर्त तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त तार्किक सोच का मतलब है कि लॉजिकल थिंकिंग यहां पर बच्चा करना शुरू कर देता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए बच्चा किस अवस्था में आकर के लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, तो आप बताएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते आते बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन कैसी लॉजिकल थिंकिंग? मूर्त या ठोस। इसका मतलब है जिन वस्तुओं को बच्चा छू सकता है, जिन वस्तुओं को बच्चा देख सकता है, सिर्फ उन्हीं के बारे में वो थिंकिंग कर सकता है, उन्हीं के बारे में तर्क लगा सकता है। बाकी अभी अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है मेरे बच्चों, समझिए। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, एक देखिए, एक है बॉटल, कौन सी? दूध की बॉटल। तो बच्चे ने चूंकि दूध की बॉटल देख रखी है, तो बच्चा दूध की बॉटल के बारे में तार्किक चिंतन कर सकता है कि इतनी बड़ी क्यों है, इतनी बड़ी भी तो हो सकती है, इसके आगे ऐसा ऐसा क्यों लगा हुआ है, इसके आगे ये क्यों है। परंतु अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि एक तो होती है बॉटल जिससे बच्चा दूध पीता है, और जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े खड़े शाम की बोतल का इंतजाम करने की कोशिश करने लग जाऊँ, या मैं ऐसा सोचने लगूँ कि शाम की बोतल में क्या होता है। तो बोतल दो प्रकार की होती हैं, एक वो बोतल जो बच्चा पीता है, और एक वो बोतल जो हमारे नशेड़ी भाई पीते हैं। तो उनके उनमें अगर चला दूँ, अभी देखो हम सब कहाँ चले गए, हम सब चले गए लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट, या जो अमूर्त है, जो हमारे सामने नहीं है। तो यहां पर अमूर्त चिंतन तो विकसित नहीं होता है, लेकिन यहां पर लॉजिकल थिंकिंग बच्चा लगाना शुरू कर देता है। लेकिन कैसी लॉजिकल थिंकिंग? तो हम कहते हैं वो थिंकिंग लगाना शुरू करता है, कौन सी लॉजिकल थिंकिंग? मूर्त लॉजिकल थिंकिंग या कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग लगाना बच्चा यहां पर शुरू कर देता है। बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है, फिर यहां पर एक बात आप और समझ लीजिए, बच्चे में यहां पर क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है प्यारे भाइयों? इसका मतलब है बच्चा वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। वर्गीकरण का मतलब यह है कि बच्चे को आपने एक सारणी दे दी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक सारणी दे दी बच्चे को, हमने लिख दिया कार, मुर्गी, देखिए मैंने लिख दिया बैल, मैंने लिख दिया मुर्गी, मैंने लिख दिया चिड़िया, मैंने लिख दिया गाय, मैंने लिख दिया गधा, मैंने लिख दिया गौरैया। समझे प्यारे भाइयों, समझते जाइए। अब मैंने इतनी चीजें लिख दी, अब मैंने बच्चे से कहा कि इसमें बच्चे बताओ कि इसमें कौन सी चीजें उड़ने वाली हैं और कौन सी चीजें यहां पर जमीन पे चलने वाली हैं। यहां पर दो प्रकार के पशु मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा बच्चे ये बता कि कौन से जो हैं ये जानवर हैं, और कौन से ग्रुप में गधे हैं, सॉरी कौन से ग्रुप में कैसे हैं चिड़ियां हैं या पक्षी हैं। तो बच्चे को अब यहां पर ध्यान देगा कि बैल, गाय, गधा ये सब कैसे हैं, ये सब जानवर हैं, जबकि मुर्गी, चिड़िया और गौरैया कैसे हैं, पक्षी हैं। तो बच्चा यहां पर वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। तो यहां पर बच्चे ने वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज होती है यहां पर बच्चे को सारणीकरण आ जाता है। सारणीकरण जिसको आप कहते हैं सीरियलाइजेशन। क्या कहते हैं? सीरियलाइजेशन। किसका मतलब होता है? बच्चा सारणीकरण शुरू कर देता है। मैंने जैसे ही बच्चे के सामने ये चीज रखी तो बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया, उसके बाद मैंने कहा बच्चे क्या करो, इसको सारणी बना दो। तो बच्चा लिखेगा यहां पर जानवर और यहां पर लिखेगा पक्षी, और क्या कर देगा भैया, जानवर में लिख देगा बैल, गधा, गाय लिख देगा, यहां पर सारणी बना देगा, और उधर कर देगा मुर्गी, चिड़िया और गौरे, यहां पर सारणी बना देगा। इसका मतलब इस अवस्था तक आते आते बच्चा सारणी बनाना शुरू कर देता है या सीरीज बनाना शुरू कर देता है। तो आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और भी बेहतर समझ बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ पूरा। और मेरी सभी बच्चों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप वीडियो आपने देखना शुरू किया है तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि शुरुआत में मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ, वीडियो के बीच में और वीडियो के आखिरी जाते जाते मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताना शुरू कर देता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसलिए आपका बाद तक बना रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच से भगते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत चीज़ें आप छूट जाती हैं आपकी।
मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ए टू जेड सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि टीचिंग से संबंधित है, आप इस क्लास को पढ़िए और पूरा भरोसा करके पढ़िए। आप हम लोगों पर भरोसा रखिए कि हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक तो भगवान से कामना करते हैं और दूसरा ऐसा काम करते हैं ताकि मेरा पढ़ा हुआ कोई भी बालक, देखिए एक टीचर जो होता है वो कभी नहीं चाहता है कि उसका पढ़ा हुआ बच्चा कभी असफल हो जाए, और ऐसी हम भी सोच रखते हैं कि हम भी वीडियो बनाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मेहनत गलत तरीके से करें या ऐसी मेहनत करें कि सिर्फ हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, सिर्फ हमारा चैनल आगे, ऐसा नहीं है। हम आपके सामने वो कंटेंट लाते हैं जो आपको रेयरली मिलता है, और हम सारे जितने भी टेट एग्जाम हैं सबके लिए, और बहुत सारे बच्चे आपने देखा भी होगा चैनल में आया भी था, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। एक तो कोई बच्ची है जिसके 141 नंबर तक आए हैं, तो इसलिए आप इस भरोसे से जुड़िए कि आपका जो भविष्य है वो बेहतर होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें किसी चीज़ के किसी भी लालच की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आप इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते जाएं, लाइक करते जाएं, हम आपके लिए यूं ही फ्री काम करते रहेंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए, धन्यवाद।